विश्व 24 न्यूज, हर पल आपके साथ। मैं प्रियंका पाटिल और आप देख रहे हो विश्व 24 न्यूज। गुलबर्गा में दिन दहाड़े मर्डर के बारे में पूरी जानकारी। डॉक्टर रवि कुमार, पुलिस कमिश्नर, गुलबर्गा सिटी। जानकारी का पाठ पुरावा किए विश्व 24 न्यूज के महाराष्ट्र राज्य प्रतिनिधि माननीय दाऊद भाई मुल्ला। फोर्थ को मॉर्निंग को एक मर्डर हुआ था। अभिषेक नंदूर नाम के एक लड़के का बस स्टैंड में रोक के उसका डेंजरस वेपन से उसका कत्ल किया गया था। इस सिलसिले में हमारे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके चार लोगों का गिरफ्तार किया है, जिनमें से उनके नाम है एक सागर बैर मार्गी करके एक गैंग लीडर है, और उसके साथ साथ मुर्तजा, आकाश और शुभम करके चार लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। ये एक्चुअली एक दो ग्रुप वाले जो थी उनके बीच में एनिमिटी थी। पिछले साल भी अपने ये जो मर्डर हुए हैं अभिषेक नंदूर, इनके गैंग वालों ने, ये मिर्जा बेग करके एक गैंग है, उनके गैंग वालों ने अपोजिट गैंग जो आदिल गैंग कह करके उनके ऊपर हमला करके एक केस भी दर्ज हुआ था। इसके सिलसिले में इसको उन्होंने बदला लेने के लिए ये हमला किया, और तुरंत हमने 48 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा है। और पूरे रोडीज को कल हमने बुला के इधर रोडी परेड भी कराया, और रोडीज को वार्निंग भी दी है कि ऐसे काम में मत भाग ले। तो सर कितने आरोपी अरेस्ट हुए आज तक? चार आरोपी अरेस्ट है, एक अपस्टैंडिंग था मुर्तजा, वो कल अरेस्ट हुआ है, बाकी के तीन लोग उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया। तीन लोग अरेस्ट किए गए अभी तो कुल मिला के अभी चार लोग अरेस्ट हुए हैं। चार लोग अरेस्ट हुए? यस। तो सर सोलापुर में जब अरेस्ट किए थे भागकर आए थे, यस, तो एक भागकर गया था वहां से सोलापुर से, और उसको भी पकड़ लिया गया। वो मुर्तजा है उसका नाम, उसको पकड़ा गया। तो फिलहाल तो दो ही नहीं, 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 चारों के चारों है, चारों किस वजह से पूछ रहा हूँ? ये दोनों गैंग है, मिर्जा बेग करके गैंग है और आदिल गैंग है, इनके बीच में ये लैंड डिस्प्यूट के लेके थोड़ा झगड़े वगड़े होते रहते थे। तो इसी सिलसिले में ये अपने अभिषेक नंदूर है, उसके गैंग वालों ने अटैक किया था, और उसने केस भी दर्ज करवाया था जो अक्यूज्ड है अभी इस केस में उनके खिलाफ। और जिस केस दर्ज हुआ था तो वो धमकी दे रहा था कि केस निकाल लो, इसी सिलसिले में अपोजिट गैंग वालों ने इसका कत्ल कर दिया। हाँ, पुलिस वाले के एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल का बेटा। हम हमारे पुलिस वालों को हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ऐसे रउड़ी वाले काम में ज़्यादा ये दखल अंदाजी ना किया करें, और अगर उनको ऐसा पता चला कि डिपार्टमेंट का कोई आदमी ही इस कामों को बढ़ावा दे रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।